एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कोड फॉर लाइफ, जहां पर हम लोग आज बात करने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं व्हाट इज ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है। फॉर एग्जांपल जैसे कार एक ऑब्जेक्ट है, तो कार के अंदर प्रॉपर्टीज भी होंगी और मेथड्स भी होंगे। जैसे कि कार की प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम बात करें तो वो उसका नाम क्या है, वो किस मॉडल की है, जो है माइलेज कितना है, उसका वेट कितना है, उसका कलर क्या है। सो ये सब जो है कार की प्रॉपर्टीज के अंदर कंसिडर किया जाता है। अगर हम बात करें उसके मेथड्स के बारे में, तो जो भी मैकेनिज्म्स, जो भी फीचर्स कार के अंदर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मेथड्स। फॉर एग्जाम्पल कार में ब्रेक का मैकेनिज्म होता है, कार में एक्सेलरेशन का मैकेनिज्म होता है, कार में एयर बैग्स होते हैं। सो ये उसके क्या है, मेथड्स हैं। जैसे कि आप एक वेरिएबल बनाते हैं जावास्क्रिप्ट में, तो आप उसमें एक सिंगल वैल्यू कंटेन करते हैं और जिसको आप असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से उसमें असाइन करते हैं। बट ऑब्जेक्ट्स का काम करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर आप मल्टीपल वैल्यूज को एक सिंगल वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। कई बार देखा जाता है कि हमें जरूरत होती है कि हमें मल्टीपल वैल्यूज की जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमें एक सिंगल वेरिएबल में रखने की जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं किसी स्टूडेंट का डेटा सेव कर रहा हूँ, तो मुझे उसमें उसका नाम भी चाहिए होगा, उसकी एज भी चाहिए होगी, उसका डेट ऑफ बर्थ भी चाहिए होगा, उसका ब्लड ग्रुप भी चाहिए होगा। तो इसके लिए मुझे मल्टीपल वेरिएबल्स जो है बनाने पड़ते थे। बट जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप जो है मल्टीपल वैल्यूज को असाइन कर सकते हैं एक सिंगल वेरिएबल में। तो ऑब्जेक्ट भी एक तरह के वेरिएबल्स ही हैं। आइए जानते हैं कि आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट कैसे कर सकते हैं। इसको क्रिएट करने का तरीका है कि आपको सबसे पहले एक वेरिएबल बनाना होता है एंड उसके अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज को असाइन कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर यहाँ मैंने एक वेरिएबल बनाया है कार नाम का, जिसमें मैंने दो जो है वैल्यूज को स्टोर किया है। जैसे कि नेम, कार का जो भी नेम है वो मैंने इसमें स्टोर किया और सेपरेशन दिया है कॉमा से एंड उसके बाद उसका मॉडल जो है स्टोर किया हुआ है। तो ऐसे ही आप सेपरेशन देकर कॉमा का मल्टीपल वैल्यूज को एक सिंगल वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसको अपने कोरिलेटर पे। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ अपने कोरिलेटर में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर दो एम्प्टी फाइल दिख रही होंगी, एक HTML की फाइल है और एक JavaScript की फाइल है। तो चलिए सबसे पहले एक बॉयलरप्लेट को क्रिएट कर लेते हैं और इसके बाद फाइल को अपनी लिंक कर लेते हैं यूजिंग द स्क्रिप्ट टैग। और यहाँ पे फाइल की लोकेशन पास कर देता हूँ मैं, जो कि है index.js, और फिर टैग को मैं क्लोज कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। तो आइए सबसे पहले देखते हैं आप वेरिएबल को कैसे बनाते हैं जावास्क्रिप्ट में। जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि आप बार कीवर्ड लिखते हैं, इसके बाद आप कोई भी नाम दे सकते हैं और उससे कुछ नेमिंग कन्वेंशन बताए थे, और फिर आपको जो भी इसमें नाम देना है, जो वैल्यूज असाइन करनी है, आप वो असाइन कर सकते हैं। इसको प्रिंट कराकर देखते हैं। अगर आप इसका वैल्यूज अगर कंसोल में प्रिंट कराकर देखेंगे एंड देन उसके बाद आप लाइव सर्वर से ओपन करिए, तो ये ब्राउजर में खुल जाएगा कुछ और कुछ इस तरह का जो है इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको। और अगर मैं कंसोल में जाऊँ तो ये वैल्यू जो है टेस्ला प्रिंट हो गई है यहाँ पर। तो जस्ट लाइक कि जैसे मैंने यहाँ पर वेरिएबल बनाया। अब बात करते हैं कि आप ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। वेरिएबल्स में मैं सिर्फ सिंगल वैल्यूज को जो ही है स्टोर कर सकता हूँ। अगर मैं इसमें मल्टीपल वैल्यूज कॉमा देकर अगर स्टोर करना चाहूँ तो मैं वो नहीं कर सकता, ये मुझे एक एरर देगा। यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, ये देखिए अनएक्सपेक्टेड स्ट्रिंग, एक एरर मिला मुझे बिकॉज मैं किसी वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज को असाइन नहीं कर सकता। सो उसके लिए ही ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एक कीवर्ड लिखना होता है बार लेट या कॉन्स में से, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट का नाम देना होता है। इन दिस केस मैंने कार दिया। इसके बाद कर्ली ब्रेस से उसकी बॉडी शुरू होती है एंड देन उसके बाद आप नेम और वैल्यू में उसकी जो है वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर देता हूँ मॉडल और इसमें मैं जो वैल्यू असाइन करूँगा वो कर देता हूँ टेस्ला। इसके बाद एक और वैल्यू मैं दे देता हूँ इसका कलर, जो दूसरी इसकी वैल्यू होगी कलर की वो दे देता हूँ रेड। उसके बाद इसको सेव करके एक बार कंसोल में प्रिंट कराकर देखते हैं कि क्या आउटपुट मिल रहा है। यहाँ पर मैंने इसको सेव कर दिया और फिर देखते हैं अपने ब्राउजर में कि क्या आउटपुट आ रहा है। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर मुझे करेक्ट आउटपुट मिल रहा है, मॉडल टेस्ला कलर रेड। तो ये तरीका है कि आप कैसे वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं। इसमें कुछ और भी जो है प्रॉपर्टीज होती हैं, इसके बारे में आगे चल के देखेंगे कि हाँ ये कैसे काम करती हैं, इनका काम क्या होता है, इसमें कंस्ट्रक्टर कैसे काम करता है, प्रोटोटाइप्स क्या होते हैं। फिलहाल के लिए आप बस इतना जानिए कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट कैसे करा जाता है। तो अगर मैं मुझे लेट्स से कि मुझे ये मॉडल के नाम की वैल्यू को एक्सेस करना है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ।
आप ऑब्जेक्ट में कैसे किसी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखना है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर वेरिएबल का नाम है कार, और इसके बाद डॉट ऑपरेटर लगाकर आप किसी भी प्रॉपर्टी को क्लास की एक्सेस कर सकते हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी है मेरी मॉडल, तो अगर मैं मॉडल लिखूंगा और इसे एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं अपने कंसोल में, तो मैंने कंसोल डॉट लॉग स्टेटमेंट लिखा और उसके अंदर मैंने कार डॉट मॉडल पास कर दिया, और देखते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो टेस्ला मुझे जो है आउटपुट मिल गया। ऐसे ही आप कोई भी वैल्यू को अपनी ऑब्जेक्ट की एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैंने दूसरी वैल्यू अपनी कलर को मैंने एक्सेस किया अपनी यूजिंग द कलर प्रॉपर्टी, तो वो मुझे रेड मिलेगा। तो आप मल्टीपल वैल्यूज या जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स में स्टोर्ड है आप उनको डॉट ऑपरेटर से एक्सेस कर सकते हैं। इनको एक्सेस करने का एक और तरीका है कि आप यहाँ पर आपको सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग लिखना है, इसके बाद आप नाम यूज कर सकते हैं, इसके बाद डबल कोट्स में अपनी प्रॉपर्टी टाइप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है मॉडल, और इसको सेव करते हैं और देखते हैं कि ब्राउजर में मुझे क्या आउटपुट मिल रहा है। तो आप देख रहे होंगे ये टेस्ला मुझे आउटपुट मिल रहा है ब्राउजर में, ये जो पहला वाला टेस्ला है वो इसकी वजह से आ रहा है। तो कमेंट कर देते हैं और फिर देखते हैं। आप देख रहे होंगे ये सिर्फ एक ही यहाँ पर जो है वैल्यू जो है मिल रही है। ऐसे ही आप इसमें भी मल्टीपल वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। तो आप जो है क्लास की वैल्यूज को कैसे भी एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग डॉट ऑपरेटर या स्क्वायर ब्रैकेट की हेल्प से। जैसे मैंने यहाँ पे अगर मुझे कलर प्रिंट करवाना है तो मैं इसको डबल कोट्स में जो है पास कर दूंगा और सेव करके तो देखते हैं कि आउटपुट आ रहा है। देखिए मुझे इसकी जो है वैल्यूज भी मिल गई। तो आप देख पा रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट कितना हेल्पफुल होता है। आप जैसे कि वेरिएबल्स में सिर्फ और सिर्फ सिंगल वैल्यू को स्टोर करते हैं, आप इसमें जो है ऑब्जेक्ट में मल्टीपल वैल्यूज को भी स्टोर कर सकते हैं। चलिए एक पर्सन का डेटा स्टोर करते हैं एक ऑब्जेक्ट में। कैसे कि एक मैंने वेलर बनाया पर्सन नाम का, जिसमें मैं कुछ वैल्यूज को स्टोर करूंगा। सबसे पहले उसका नाम स्टोर करूंगा, उसके बाद उसकी एज स्टोर करते हैं, और फिर उसके बाद तो लेते हैं 20 और फिर कॉमा देकर के बाद उसका आईडी ले लेते हैं। लेट सपोज कुछ आईडी होगी उसकी 1 2 3 4 5 एंड देन इसके बाद हम लोग इसकी वैल्यू को प्रिंट करा लेते हैं एक बार कंसोल में। तो सेव कर लेते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। तो आप देख रहे होंगे मेरे को पूरा आउटपुट मिल रहा है जो भी मैंने इसमें पास किया था। अब हमें देखना है कि दिस कीवर्ड कैसे यूज किया जाता है और दिस कीवर्ड का काम क्या होता है। तो जो दिस कीवर्ड होता है वो बेसिकली जो फंक्शन का ओनर है उसको बिलोंग करता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर फंक्शन तो भी बनाया नहीं हमने, यहाँ पर वेरिएबल है। तो आप अगर यहाँ पर मैं यूज करूँ दिस, तो वो जो रेफर करेगा वो इस पर्सन को करेगा। तो आप इसकी हेल्प से दिस डॉट पर्सन अगर मैं कॉल करूँ और सेव करूँ इसे और यहाँ पर देखूँ, तो आप देख रहे होंगे कि मेरे को जो है इसको वैल्यू जो है प्रिंट हो गई। और ऐसे ही अगर मैं दिस डॉट पर्सन डॉट नेम प्रिंट करूंगा तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे रॉबर्ट प्रिंट हो रहा है। तो दिस एक रेफरेंस कीवर्ड है जो कि हम लोग यूज करते हैं फंक्शंस के अंदर, क्लासेस के अंदर, जिसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। फिलहाल इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना जानिए कि आप इसको क्रिएट कैसे कर सकते हैं इस तरीके से। और अगर उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना है तो या तो आप डॉट ऑपरेटर लगा लीजिए या तो आप स्क्वायर ब्रैकेट से भी उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं मल्टीपल स्टेटमेंट अगर मुझे प्रिंट करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं, कॉमा सेपरेशन देके पर्सन डॉट एज और उसके बाद प्रिंट करते हैं पर्सन डॉट आईडी। तो सेव कर देते हैं और यहाँ देखिए तीनों जो है प्रिंट हो चुका है। अगर मुझे इसका टाइप चेक करना हो तो मैं टाइप भी चेक कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप टाइप देखना कि क्या प्रिंट होगा यहाँ पर पर्सन, और सेव कर देता हूँ। आप देख रहे होंगे यहाँ पे देखिए टाइप जो इसका आ रहा है वो आ रहा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसलिए आ रहा है बिकॉज मैंने इसमें मल्टीपल वैल्यूज को जो किया है असाइन किया हुआ है, तो इस वजह से इसका जो टाइप होगा वो ऑब्जेक्ट ही आएगा। लास्ट वीडियो में जाना था फंक्शन के बारे में, एक फंक्शन बनाते हैं जो यूजर का फुल नेम जो है प्रिंट करेगी। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड लिखेंगे, इसके बाद पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज, इसके बाद इसकी बॉडी लिखेंगे। इसके अंदर मैं लिख दूंगा रिटर्न दिस डॉट नेम, और इसके बाद एक कंकैटनेशन ऑपरेटर लगाएंगे, उसके बाद मैं प्रिंट कर दूंगा दिस डॉट एज। तो सेव कर देते हैं और इसके बाद फंक्शन को जो कि मुझे कॉल भी करना पड़ेगा, तो उसे कॉल करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा जो भी आउटपुट आ रहा है पहले से लॉक करा लेंगे, और लिखना पड़ेगा पर्सन डॉट फुल नेम। तो मुझे फंक्शन कॉल करने जैसे मैंने बताया था कि मुझे यहाँ पर
पैरासेंसिस को कॉल करना पड़ता है तभी फंक्शन कॉल होगा। इसके बाद मैं सेव कर देता हूँ और फिर देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। इस कोड को कमेंट करके अपना आउटपुट चेक करते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर नेम प्रिंट कराई थी पर्सन की और यहाँ पर मैंने एज इसकी प्रिंट करवाई थी, तो आप देख रहे होंगे मुझे रॉबर्ट 20 जो है आउटपुट मिल रहा है। अगर आप ये पैरासेंसिस नहीं लगाते हैं और फिर सेव करके आउटपुट चेक करते हैं तो आप यहाँ देखिए मुझे जो है फंक्शन डेफिनेशन मिलेगी कि जो भी मैंने फंक्शन की बॉडी के अंदर लिखा होगा मुझे कंसोल डॉट लॉग स्टेटमेंट वो पूरी बॉडी जो है रिटर्न कर देगी। सो इसीलिए जरूरी है कि आप हमेशा जब भी फंक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर बनाएं और उसे कॉल कर रहे हो तो आप उसको पैरेंथेसिस से ओपन एंड क्लोज करके ही कॉल करें, वरना आपको डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलेगा। जैसे मैंने इसको दोबारा चेंज किया मुझे अपना आउटपुट फिर से मिल गया। तो आई होप तो आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में जहां पर हम लोग जानेंगे कि इवेंट कैसे बनाए जाते हैं, इवेंट हैंडलर्स कैसे हो, क्या काम करते हैं जावास्क्रिप्ट में, और आप लोग रेफरेंस कीवर्ड जो कि दिस कीवर्ड है उसको कैसे यूज करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।